आपका पाक मीडिया की एक और वीडियो में। वीडियो बहुत मज़ेदार है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया में आपने सुना होगा कि पाकिस्तान में कोरोना के चलते हुए एक स्मार्ट लॉकडाउन का भी नाम दिया गया था, लेकिन उस स्मार्ट लॉकडाउन की लोगों ने धज्जियाँ उड़ा कर रख दी है। रमजान के चलते हुए बाजारों में काफ़ी मात्रा में भीड़ देखी जा रही है और कोरोना के केस उधर दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ तक कि एक टीवी चैनल के 20 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ था, उसमें से 12 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इसका यह आंकड़ा देखिए पाकिस्तान में कितना होगा। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट। वीडियो को सबसे पहले लाइक कीजिएगा और प्लीज़ पाक मीडिया की एक से एक बढ़िया वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट। अभी ही आज ही ये भी इतला आई कि ये भी अनाउंसमेंट हुई कि एक चैनल ARY चैनल के अंदर 20 लोगों का टेस्ट हुआ, जिसके अंदर से 8 लोग पॉजिटिव नजर आए या पॉजिटिव उनका कोरोना वायरस का टेस्ट आया। ऐसी सूरत हाल के अंदर जहां एक से कई लोगों को यह बीमारी लग रही है, वहां एक ही तरीके लॉकडाउन में कंफ्यूजन बड़ी पैदा हो गई थी। शुरू में लॉकडाउन करना है नहीं करना, लॉकडाउन है कर्फ्यू है, वो एक सिचुएशन डेवलप हुई, वो हल हो गई, लॉकडाउन हुआ, उसके बाद फिर नरमी बरती गई। लोगों ने उस नरमी को बहुत लाइटली ले लिया है डॉक्टर साहिबा, और बाजारों के अंदर रमजान के ड्यूरिंग हम लोगों को खचाखच भरे हुए बाजार नजर आ रहे हैं। ये तो एक कोरोना वायरस का ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाएगा डॉक्टर साहिबा। आपको लगता है कि गवर्नमेंट को सख्त इकदामात लेने की जरूरत है? ज़रूरी ज़्यादा हो गई है, इसलिए क्योंकि हुकूमत ने आपकी आसानी के लिए अगर लॉकडाउन को थोड़ा लीनियंट किया है तो फिर आप इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा ना उठाएं। हम लोग एक बार फिर डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा आपकी तरफ ही आऊँगी। अच्छा डॉक्टर साहिबा, दूसरी तरफ चलते हैं। अब हम लोगों ने इस तमाम मामले को गैर सियासी तौर पर और बड़े ही उम्दा तरीके से एहसन तरीके से आगे भी लेकर चलना है। रमज़ान में पूरा अगर सूरत हाल यही रही और साथ ही साथ ये ताजिर बिरादरी की तरफ से भी बाज़ारों की तरफ से भी इसी तरीके से हम जिस तरह से अभी देख रहे हैं, जैसे मैंने भी ऑफिस आते हुए देखा कि लोग बड़ा लाइटली ले रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली सारी चीज़ें हुकूमत कर भी नहीं सकती, दैट इज़ ट्रू, लेकिन अगर लोग इसी तरीके से वायलेशन करते रहे और मसाजिद में भी SOPs को फॉलो ना किया जाता रहा, बाज़ारों के अंदर भी लोग खुले फिरते रहे, फिर हुकूमत क्या करेगी, अगला कदम क्या होगा? जी देखिए, इसके लिए मैं समझती हूँ कि परसों प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अपना बड़ा वाजे कर दिया था मौके कि अगर मसाजिद के अंदर SOPs को फॉलो ना किया गया और जो 20 नुकात जो हैं वो दिए गए हैं, अगर उनके ऊपर अमल दरामद नहीं होगा तो हमें मसाजिद भी बंद करनी पड़ेंगी। और दूसरी तरफ असद उमर साहब ने भी ये आपको बड़ा क्लियरली कल अपने बयान में बताया मीटिंग के बाद कि अगर ये फॉलो ना हुआ और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कोरोना का स्प्रेड जो है वो जो अभी लेटेस्ट फिगर्स आ रहे हैं उसके अंदर इसका स्प्रेड मजीद तेज हो रहा है, तो अगर लोगों ने ना इन चीज़ों के ऊपर अमल दरामद किया तो जाहिर है फिर हुकूमत के पास और कोई ऑप्शन नहीं रह जाती सिवा इसके कि जो है वो मजीद सख्ती जो है वो की जाएगी। राइट और डॉक्टर साहिबा, सख्ती किस किस्म की होगी, क्योंकि आप फरमा रही थी कि रमज़ान का महीना है, हुकूमत नहीं चाहती कि किसी के ऊपर सख्ती करे किसी भी तरीके से, इस महीने को बाबरकत महीने को किसी नेगेटिव चीज़ के साथ नहीं जोड़ना चाहती, लेकिन फिर किस किस्म की हुकूमत सख्ती कर सकती है, क्योंकि फिर एक मसला ये भी आ जाता है कि अगर सारों को जेल में डाल दिया तो वो भी एक कोरोना का ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाएगा, इसके हवाले से क्या सोल्यूशन निकालेगी गवर्नमेंट? देखिए जी, अभी तो हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस तो यही है कि अवाम जो है वो अपनी जिम्मेदारी को खुद समझे, और इसके अंदर मैं अप्रिशिएट करूंगी कि आप लोग भी बाजार मतलब मीडिया आप लोग एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हो, और इससे ज्यादा अवेयरनेस जो है वो क्रिएट नहीं हो सकती जो कि आप लोग कर रहे हो। तो अब इसके अंदर अवाम अगर इन सब चीज़ों को समझते पूछते भी नहीं कर रही तो जाहिर है कि फिर वो मुश्किल मजीद बढ़ेंगी, और जाहिर है हमें सख्त लॉकडाउन की तरफ या सख्त पॉलिसीज की तरफ जाना पड़ेगा कि जिसके अंदर फिर जाहिर है कि इनका बिल्कुल निकलना जो है वो बंद किया जाएगा। और मैं समझ रही हूँ कि हम अगर आवाम नहीं समझ रही तो फिर हम इसी तरफ जा रहे हैं। ठीक डॉक्टर साहिबा। अच्छा शैला रजा साहिबा, यहाँ सिंध के अंदर भी यही चैलेंजेस का सामना है, अगर वफाक की सतह पे वो डिसीजंस नहीं लिए जाते जो एक्सपेक्ट कर रही है सिंध हुकूमत, तो क्या 18वीं तरमीम के तहत आप लोग अपने तई वो डिसीजंस लेंगे, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन के हो या फिर स्ट्रिक्ट एक्शन के हो? देखिए, अभी जो है CM साहब जो हैं वो बिल्कुल वही कर रहे हैं जो डॉक्टर्स कह रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि सिंध स्ट्रिक्ट होने जा रहा है और स्ट्रिक्ट एक्शन ही जो है वो हमारी उसमें बचत है। हमें देखना होगा कि हमें किस तरह से अपने लोगों को
करना है। देखिए हर जगह हुकूमत कुछ नहीं कर सकती है, अब सबको मालूम है कि कल का अगर मैं वाकया जो कि बहुत ही तकलीफ से है सुरजानी टाउन का, हम सब जानते हैं कि जिस तरह से पैंडेमिक एक आउटब्रेक हुआ तो हर काम रुक गया, तो जो वहां पे बिल्डिंग बन रही थी उसका पानी एक ग्राउंड में जमा था। सबको मालूम है कि वायरस कितना खतरनाक है, खड़े हुए पानी में वैसे ही जर्म्स बहुत हो जाते हैं स्टैग्नेंट वाटर में। क्या वालदेन को इतना बेखबर होना चाहिए था कि बच्चे उस तालाब में उतर के नहाएं? सही। तो ये आम हमारी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही है, हमें कुछ सख्त एक्शन लेने होंगे और हम चाह रहे हैं कि लोग समझ लें। अभी हमारी कैबिनेट मीटिंग थी और वहां पे यही बात हुई है